ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸਫੀਰਾ ਕੋਤਮੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟੈਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਤੀ। के बाद उनको क्लेफ्ट लिप्स हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि उसका होंठ है उसके बीच में कट लगा पूरी तरह बंद नहीं हो पाता। जैसे हम ऊपर मुंह का तलवे की बात भी करें तो ये धूम्रपान करने की निशान है। दोनों तरफ से नुकसान ही नुकसान है अगर महिला गर्भधारण करने के बाद भी धूम्रपान करती है। इसके अलावा अगर आपके घर में आप धूम्रपान नहीं कर रही, आपका हस्बैंड कर रहा है या कोई भी मेंबर कर रहा है और आप स्तनपान कर रही हैं नए शिशु को, तो उसमें भी आपकी ब्रेस्ट फीड में भी जो अगर आप जमाना सारी दुनिया के उत्ते बड़ी तेजी के नाल फैलता पै और पत्थर नु खराब करने वाला जी कोई कंटेंट पाया आओ उसनू क्योंकि पड़ता है सब रात। इसलिए तो कहते हैं जब बच्चा गर्भ में हो तो काफी ध्यान रखना होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, सोच विचार की दृष्टि से भी। डॉक्टर मनीषा, जैसे आजकल हमारे यहाँ बड़ा युवा वर्ग धूम्रपान की लत से लग जाती है, लेकिन वो इससे मुक्ति भी चाहता है अंदर ही अंदर, पर जब एक बार लत लग गई है तो छुड़ाए छूट नहीं रही है। तो क्या कोई ऐसे उपाय हैं जो सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं जिससे उन्हें राहत मिल सके? बिल्कुल जी, हमारी सरकार तो काफी सालों से इसी पे है कि नो तंबाकू इंडिया में बिल्कुल कंजम्पशन ना हो। इसमें क्या किया जाता है कि विज्ञापनों के जरिए या किसी भी तरह स्कूल्स में प्रोग्राम्स किए जाते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है। डिपार्टमेंट में जाके निकोटीन की जो गोलियां दी जाती है ताकि आपकी आदत छूटे, तो ये सारे कदम सरकार ने बहुत सालों पहले से और हर साल वो नए